निकिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मेथी आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने 5 टमेटोस और 4 चिलीज ग्राइंड करके लिए हैं और थोड़ा सा अदरक भी डाला है। उसके बाद मैंने 5 to 6 कलियाँ चॉप करके ली हैं लहसुन की, और 2 कप मैंने लिए मेथी जिसे मैंने काट के धो लिया है, और ये मैंने 3 पोटैटोस लिए हैं स्मॉल साइज़ के, उन्हें भी मैंने कट करके धो लिया है और पानी में डाल दिया है, और ये हमारे मसाले। तो अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर रख दिया है जिसे मैंने गरम करने के लिए रखा है। अब ये गरम हो गया है, हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसमें डालेंगे अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। अब हमारा ऑयल गरम हो, और मैंने ये लहसुन डाल दिया है चॉप किया हुआ। आप देख सकते हैं लहसुन अभी ये ब्राउन होगा थोड़ा सा, यहाँ मतलब पिंक कर सकते हैं इसे। अब ये कलर चेंज हो गया है इसका। अब मैं इसमें पीसे हुए टमाटर डाल दूंगी। अब इसमें मैं सूखे सब मसाले डालूंगी, रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर। थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेथी भी है जिसे मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके लूँगी, एकदम थोड़ा सा ही है, उसे भी मैं मिक्सी में पीस के लूँगी। और अब हम ये कटा हुआ वाला जो मेथी है वो हम इसमें डाल देंगे, तो ये साथ में ही पकेगा। देखिए मैंने ये मेथी जो थी थोड़ी सी मेरे पास, मैंने उसको ग्राइंड करके लिया है। अब हम इसमें ये वाली मेथी भी डाल देंगे, और मिक्सी को थोड़ा पानी डाल के घुमा लेंगे, वो भी पानी इसमें डाल देंगे। अब ये मिक्सी वाला पानी भी इसमें डाल दिया मैंने। 3 से 4 सीटियाँ लगवाएंगे, कुकर बंद कर देंगे और इसे हम 4 सीटियाँ लगवा लेंगे। इसे बंद कर दिया है, अभी इसे हम 4 सीटियाँ लगवा लेंगे। अब इसकी सीटियाँ मैंने 4 लगवा ली है, और अब इसे कुकर को मैंने खोल के चेक कर रही हूँ। देखिए आप कलर। अब इसे गैस जला देंगे, और आलू जो हमने काट के रखे थे वो अब डालेंगे इसमें, और इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसे भुनेंगे, और अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इसे 5 मिनट तक यूं ही भुनना है, फिर आप इसमें 1 कप पानी डाल के सीटी लगवा लेंगे। सीटियां मैं इसे 2 से 3 लगवाऊंगी। अब ये 2-3 मिनट तक ऐसे ही रहेगा, आप बीच बीच में इसे घुमाते रहिए। देखिए अब सब्जी अच्छे से भुन गई है, मैंने इसको 5 मिनट तक भुना है अच्छे से, और अभी इसमें अपने हिसाब से मैं पानी डालूंगी। आपको कितनी मतलब ग्रेवी वाली चाहिए, थोड़ी सूखी चाहिए, कैसी चाहिए, वो आप अपने हिसाब से पानी डाल देना। मैंने अपने हिसाब से डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं चाहिए। देखिए अब मैं इसे 2 सीटियाँ लगवा लूँगी। अब मैंने इसमें 2 सीटियाँ लगवा के कुकर का ढक्कन खोल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी सब्जी कैसे रेडी हुई है हमारी। देखिए
अब ये बिल्कुल रेडी है। हमारे आलू भी अच्छे से मैश हो गए, आप देख सकते हैं। मैंने ऐसी करछी से इस आलू को प्रेस किया है तो ये आलू टूट गया है, आराम से प्रेस हो रहा है। तो हमारी सब्जी रेडी है। देखिए ये गर्मा गर्म सब्जी मैंने इस बाउल में सर्व की है, अब ये खाने के लिए रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और आप बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।